अम्मा जवाब चाहिए। वो जो तुमने कहा था वो सच था ना? है ना? पता है अम्मा, आज मुझे पक्का यकीन हो गया कि कोई ना कोई बात जरूर है जो आप हमसे छुपा रही। ये अजियत आपको यूं ही नहीं मिल रही है। जिस भी झूठ का सच बताना है वो बोल दो अम्मा, इसी में सबकी भलाई है और आपकी भी। जी 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 मैं कुछ करता हूँ, मैं करता हूँ। शहजाद, वो यहाँ कैसे आ सकती है? क्यों, क्या, कैसे? एक औरत ने अपनी जिंदगी जेल में गुजार दी, अब जब उसे उसके सवालों का जवाब मिलने का वक्त आया तो आप कह रहे हैं कि वो यहां कैसे आ सकती है? ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूं पर कमजोर औरत नहीं हूं। ये उसका हक है और वो आएगी। किस बात का डर है? मुझे किसी का डर नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मर्दों की दुनिया में बेबाकी से गुजारी है। मैं मर्दों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये उनका डर होता है जिसे वो अपनी अना की चादर उड़ा देते हैं। पागल हो गई हैं आप। पागल आप हो रहे हैं शहजाद। किस बात से भाग रहे हैं आप? अब तो सब कुछ खुल गया ना, मेरा ताल्लुक, मेरा प्यार, सब कुछ कायम है आपके साथ। पर अना की जिस धुंध के पीछे आप अपना डर और अपना मुंह छुपाए खड़े हैं ना, ये मेरा रिश्ता, मेरा प्यार और मेरी नजर में आपकी इज्जत है। सब खत्म कर देगी। एक बहादुर औरत सब बर्दाश्त कर सकती है। कमजोर मर्द ये मीडिया पे क्या बकवास चल रही है? फिर से सॉफ्ट कॉर्नर? मैडम, कल रात जो बातें की हैं रुकैया बेगम ने, बहुत चालाक औरत है। पापा, गाड़ी आ गई है। बारिश? आइलिन गाड़ी में बिठा रही है बारिश को। बेगम साहिबा, मेहमान आ गए। जब रवानी है जिन
जब रवानी है, हाथों की लकीरों में मौसम तूफानी है, हाथों की लकीरों में मौसम तूफानी है। अम्मा शैला आ गई, अम्मा शैला आ गई। शहजाद को मैं फोन कर दूंगी, वो जैसे ही आप आएगा ना तुम्हारे पास लेकर आ जाऊंगी मैं, परेशान नहीं होना बेटा। बदकार नहीं है, गुनाह नहीं है, तेरी औलाद। शैला ने खुद को कत्ल नहीं किया था, तेरी बहन के हाथों कत्ल हुआ था। माफ कर दे मुझे, जिंदगी का साथ सारी जिंदगी का साथ। मैं एक बार माफ कर दे, वो पागल खाने में मन भी सजा मिली, मुझे तो बड़ी की सजा मिली, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे, एक बार माफ कर दे मुझे। कर दिया माफ, कर दिया माफ, कर दिया माफ। कैसे घूमती है